आज का हमारा टॉपिक इंतहाई कॉमन मसला है लोगों में, लोनलीनेस, अकेलापन। लोग अकेलापन महसूस करते हैं, उनको लगता है कि उनके ताल्लुकात लोगों के साथ ऐसे नहीं हैं कि वो उनके साथ इंजॉय कर सकें या अपनी ज़िंदगी में लोगों के होने की वजह से खुशी महसूस कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा अहमद है और मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप काउंसलर के तौर पे अपनी सर्विसेज मसूद हॉस्पिटल लाहौर और अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स लाहौर में दे रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक इंतहाई कॉमन मसला है लोगों में, लोनलीनेस, अकेलापन। लोग अकेलापन महसूस करते हैं, उनको लगता है कि उनके ताल्लुकात लोगों के साथ ऐसे नहीं हैं कि वो उनके साथ इंजॉय कर सकें या अपनी ज़िंदगी में लोगों के होने की वजह से खुशी महसूस कर सकें। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस देख लें, दैट इज़ लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड। लोनलीनेस बेसिकली एक इमोशनल सिचुएशन है और सॉलिट्यूड बेसिकली एक सोशल सिचुएशन है। लोनलीनेस और अकेलेपन में इंसान के साथ ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात हुए होते हैं जिसकी वजह से वो अकेला रह जाता है, और सॉलिट्यूड खुद से एक चॉइस है जो इंसान अपने पर्सनैलिटी फैक्टर्स और अपनी पर्सनल चॉइस से अकेला रहना पसंद करता है। तो सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है, ऐसे कौन से हालात वाक़यात हैं जो इंसान को अकेलेपन की तरफ लेके जाते हैं। सबसे पहले पोस्ट पेंडेमिक वर्क फ्रॉम होम एक ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा अकेलापन का शिकार हो गए हैं और उनकी नफसियाती सेहत पे ये चीज़ असरअंदाज हुई है। उसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप मिसिंग है, अगर आपका अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स या अपने दोस्तों के साथ इतना हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है तो भी आप अकेलेपन की तरफ जा सकते हो। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ज़िंदगी में कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक सिचुएशन गुजरती है, जैसा कि अगर किसी प्यारे की डेथ हो गई है या आपका कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद इंसान अकेलेपन का शिकार हो जाता है। बहुत से लोगों में ये देखा गया है, अगर वो नए शहर की तरफ मुंतकिल होते हैं या ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी पढ़ाई किसी और शहर में जाके शुरू करते हैं और वो हॉस्टल में एडमिशन लेते हैं, तो उनके अंदर भी लोनलीनेस की फीलिंग ज़्यादा पाई जाती है। एक और अहम चीज़ जो समझने की ज़रूरत है कि लोनलीनेस ये नहीं है कि अगर एक इंसान ने आपके साथ बुरा रवैया रखा या आपकी सिचुएशन बदली है तो आप अकेलेपन का शिकार हो गए हो, बल्कि लोनलीनेस, अकेलापन एक साइकिल है पूरा। उसमें सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में होने वाले हालात वाक़यात का बहुत अहम रोल होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेसफुल सिचुएशंस गुजर रही हैं, अगर आपके ट्रॉमेटिक इवेंट्स रहे हैं माजी में, तो फिर आपका रवैया और आपके जज्बात बदलते हैं। जब हमारा रवैया दूसरे लोगों के साथ बदलेगा तो जाहिर है कि उनका रवैया और उनका बिहेवियर भी आपके साथ बदलेगा। जब उनका रवैया भी बदलता है हमारे साथ, तो हमें लगता है कि शायद पता नहीं वो हमारे साथ एक डिफरेंट बिहेवियर रख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोगों के, और फिर हम उन उस सिचुएशन को एक नेगेटिव सिचुएशन के तौर पे ले लेते हैं। और या तो किसी एक इंसान का रवैया हमें इफ़ेक्ट करता है या फिर एक इंसान के रवैये के बारे में हम नेगेटिव तासुर रख के अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं और अकेले रहने को तरजीह देते हैं। एक और किस्म का मनफी ख्याल जिसको हम कहते हैं ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, इंसान सिर्फ दो पहलू पे सोचता है और दोनों ही एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं। या तो कि इंसान आपके साथ अच्छे से पेश आ रहा है तो हम समझते हैं वो हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा ही अपना रवैया चेंज करता है या अपनी ज़िंदगी के किसी हालात वाक़यात के बिना पे हमारे साथ वैसे अच्छे से नहीं पेश आ सकता किसी एक मौके पर, तो हम बहुत एक्सट्रीम पर जाके बहुत नेगेटिव हो जाते हैं उस इंसान के बाद, और आहिस्ता आहिस्ता जब हम इस तरह सोचते हैं तो लोग हमारी ज़िंदगी से दूर होते जाते हैं। देन अगेन हम जनरलाइज कर लेते हैं कि अगर एक इंसान ने हमारे साथ बुरा किया है तो सारे इंसान ही हमारे साथ बुरा रवैया रखते हैं और हमें दिल में अच्छी जगह नहीं देते। उसके अलावा अगर हम डिप्रेस फील कर रहे हैं, हमें आने वाले कल के बारे में फिक्र है, परेशानी है, या हम माजी में किसी भी ट्रॉमा की वजह से ट्रॉमेटाइज्ड फील कर रहे हैं, तो हम इस सब चीज़ों को भी लोनलीनेस का नाम दे देते हैं, जिसको हम लेबलिंग कहते हैं। तो हमें अपने दूसरे इमोशंस को लोनलीनेस के अंदर लेबल नहीं करना, और हमने स्पेसिफाई करना है कि क्या चीज़ माजी का गुजरा हुआ वाक़या है, क्या चीज़ आने वाले कल का खौफ है, और किस चीज़ की वजह से हम अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। अब जब इंसान को ये लगता है कि वो बहुत अकेला हो गया है तो वो कुछ गलतियां कर बैठता है, यानी कि फॉल्स अटैचमेंट्स ढूंढता है, ऐसे लोगों के पास जाके खुशी ढूंढने की कोशिश करता है या ऐसे लोगों से ताल्लुक कायम करने की कोशिश करता है जिनके दिल में उसके लिए वैसी जगह और अहमियत नहीं है। तो ऐसी गलती मत कीजिए। देन अगेन अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ स्ट्रेसर्स गुजरे हैं तो वो हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो रहे होते हैं और हमारे रवैये पे भी असरअंदाज हो रहे होते हैं। हम अपने उन रवैयों पे नज़रसानी नहीं करते और अपनी गलतियों का ब्लेम दूसरों पे देते हैं कि उनके रवैये की वजह से हम अकेलेपन का शिकार हैं।
क्योंकि किसी से ताल्लुक रखने के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी दरकार होती है। जब हम अपने स्ट्रेसेस की वजह से वो एनर्जी नहीं दे पाते तो भी हम अपने ताल्लुकात लोगों के साथ अच्छे कायम नहीं कर सकते। अगर बात की जाए कि अकेलेपन को दूर कैसे किया जाए तो उसके लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगी जो आप ले सकते हैं और इस अकेलेपन को दूर करके अपनी पॉजिटिव लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अकेले खुश रहना सीखिए, अपनी कंपनी एंजॉय करना सीखिए। अब यूजुअली जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो वो कहते हैं हम अकेले कैसे खुश रहें, हम तो सिर्फ लैपटॉप पे नेटफ्लिक्स देखें या अपने सेलफोन स्क्रॉल करके ही अपना ध्यान बटा सकते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, आप लोग अपने साथ अकेले भी खुश रह सकते हैं। सबसे पहले ये है कि इस चीज़ को नॉर्मल समझें कि आपको खुशी हासिल करने के लिए दूसरे लोगों की इतनी ज़्यादा हर वक्त ज़रूरत नहीं है, और खुद खुश रहने के लिए ज़रूरी यह है कि आप सेल्फ लव की तरफ आएं। और सेल्फ लव के लिए सबसे पहला असूल है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर के लिए हमें अपनी डाइट, स्लीप, फिजिकल एक्सरसाइज पे फोकस करना होगा, अपने उन पर्सनल रिलेशनशिप्स पे फोकस करना होगा जो हमारे पास हैं, क्योंकि अगर हमने ज़िंदगी में खुश रहना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी उन चीज़ों पे फोकस करें जो हमारे पास हैं, ना कि उन चीज़ों पे जो हमारे पास नहीं हैं। क्योंकि जब हम ना होने वाली चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली हम नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे। उसके अलावा आप अपने पुराने उन दोस्तों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जिसके साथ आप अपने किसी स्ट्रेसर्स की वजह से बहुत अरसे से कांटेक्ट नहीं कर पाए या मिल नहीं पाए। देन अगेन आप अपनी कोई पुरानी हॉबी जो आप अपने लाइफ स्ट्रेसर्स की वजह से या अपनी डेली रूटीन की वजह से फॉलो नहीं कर पाए वो फॉलो करें। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपनी ज़िंदगी से टॉक्सिक लोगों को दूर कीजिए। टॉक्सिक लोग कौन हैं? जो आपकी मेंटल पीस अफेक्ट कर रहे हैं, जिनके साथ वक्त गुजारने के लिए आपको कोशिशें करनी पड़ती हैं और जब वो अपना टाइम आपको नहीं देते तो आप नेगेटिव फील करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल मीडिया यूजेज। आप अपना सोशल मीडिया यूजेज रिस्ट्रिक्ट करें, अपना एक टाइम स्पेसिफाई कर लें कि सिर्फ उसी टाइम पे आपने अपनी सोशल मीडिया साइट्स को स्क्रॉल करना है। क्योंकि जब आप दूसरे लोगों को सोशल एक्टिविटीज़ में देखते हैं तो आप अपने आप को उनके साथ कंपेयर करते हैं, एक सेंस ऑफ जेलसी आता है, एक सेंस ऑफ कंपैरिजन आता है कि अगर वो लोग इतने ज़्यादा खुश हैं लोगों के साथ रह के तो हम अकेले क्यों हैं। तो इन सब टिप्स को फॉलो कीजिए, आई होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। लेकिन इसके अलावा अगर आपको फिर भी मुश्किल पेश आ रही है कि अपने अकेलेपन को कैसे दूर करें तो आप मेरे साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। हम थेरेपी के ज़रिए, माइंडफुलनेस टेक्निक्स के ज़रिए, पॉजिटिव साइकोलॉजी की टेक्निक्स और CBT टेक्निक्स के ज़रिए आपकी मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया।